बिना पानी के चिकन कोशा कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन कोशा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन, आलू, टमाटो और प्याज लिए हैं। अच्छी तरह से साफ करके काट लिए हैं। इसमें देने के लिए सारे मसाला लिए हैं। मसाला में मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन, इलायची, लौंग, दालचीनी और हरी मिर्च लिए हैं। सारे चिकन में दे के सरसों का तेल से मिक्स कर लूँगी। टमाटो बाद में दे दूँगी। सरसों का तेल दे दूँगी। सारे मसाले के साथ मिक्स करके 10-20 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी ढक्कन दे के। उसके बाद चिकन कोशा बनाऊँगी। मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अभी 10 मिनट बाद चिकन कोशा बनाऊंगी। 10 मिनट हो चुकी है तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चिकन कोशा बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। इसमें प्याज और हरी मिर्च और दालचीनी दे दिए हैं। तेल और जीरा दे के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसमें चिकन दे दूंगी। चिकन के साथ सारे मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अभी ढक्कन देके गैस का फ्लेम लो करके 10 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। चिकन कशा पानी के बिना ही बनाऊंगी। बिना पानी के चिकन कशा बनाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाए हैं चिकन। प्याज से पानी सूख चुकी है। देखिए अभी टमाटो दे दूंगी। टमाटो दे दिए हैं। चिकन के साथ टमाटो अच्छी तरह से मिक्स करके और भी 10 मिनट तक लो फ्लेम में इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए टमाटो दे के अच्छी तरह से 10 मिनट तक ऐसे पका लिए हैं लो फ्लेम में। अभी हरा धनिया दे के गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए बिना पानी के चिकन कशा हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके एक बोल में निकल कर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गैस आज की हमारी बिना पानी की चिकन कशा देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी काला रही है, सॉफ्ट जूसी बन चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप लोग घर में ऐसे बना के ज़रूर खाइए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के बिना पानी की चिकन कोशा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।